दोस्तों नमस्कार, मैं देवेश कुमार और आप देख रहे हैं गोला टॉप वीडियो। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूं कि अच्छे होंगे। दोस्तों आज ओला की तरफ से एक नया अपडेट आया है, आज नहीं हालांकि कल आ गया था। आज हम आप लोगों को बता रहे हैं ओला की तरफ से जो अपडेट आया है उसकी जानकारी हम आप लोगों को इस वीडियो में देंगे, और ये जो अपडेट है आप लोगों के कई सारे सवाल हैं उनको क्लियर कर देगा। आपको थोड़ी खुशी भी मिलेगी इस सवाल से, जो हम आज अपडेट देने वाले हैं इस अपडेट से थोड़ी खुशी भी मिलेगी आप लोगों को, और आपके कुछ प्रश्न हैं क्वेश्चन हैं वो भी कम हो जाएंगे। तो हमारी वीडियो को एंड तक जरूर देखते रहिएगा, क्योंकि आपको ये जानना बहुत ज़रूरी है कि ओला की तरफ से क्या नया अपडेट आया है अभी हम जो बताने वाले हैं आपको। पहले तो मैं आपको ये कहना चाहूँगा, अगर आप लोगों ने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा देना, क्योंकि दोस्तों टैक्सी लाइन से जुड़ी हम हर रोज़ एक नई वीडियो लाते रहते हैं। अगर आप हमें फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को फॉलो जरूर कर लीजिए। साथ ही आप हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं, इंस्टाग्राम का लिंक हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ट्विटर पर फॉलो कर सकते हैं, लिंक्डइन पर फॉलो कर सकते हैं, काफ़ी सारे जो सोशल मीडिया हैं उन पर आप फॉलो कर सकते हैं। अभी हम आपको बताने वाले हैं कि ओला की तरफ से क्या अपडेट आया। ओला की तरफ से अपडेट आया है मैं आपको बताता हूँ। कल जो ओला के फाउंडर ऑफ CEO हैं भवेश अग्रवाल, उन्होंने ट्विटर पर ट्वीट करते हुए कहा था, लिखा है कि हमें पता चल गया है कि हमारे ड्राइवर हैं वो राइड कैंसिल क्यों करते हैं। यानी आपने ज़्यादातर देखा होगा कि जब भी राइड आती है हमारे पास या बुकिंग आती है ड्राइवर्स के पास, तो फ़ोन करते हैं, हेलो हाँ जी, फ़ोन ज़रूर करेंगे, उसके बाद आगे जाते हैं। उसका रीज़न क्या है, क्या कारण है, क्यों फ़ोन करते हैं? एक मुद्दा ये होता है राइड ओला मनी है, राइड कैश है, कहाँ जाना है, कितने रुपए दिखा रहा है, इस तरीके के बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं जो कि ड्राइवर जो हैं पैसेंजर को करते हैं। तो अभी भवेश अग्रवाल जी ने, जो ओला के फाउंडर ऑफ CEO हैं, उन्होंने ट्वीट करते हुए ट्विटर पर लिखा है कि हमें पता चल गया है कि हमारे जो ड्राइवर हैं राइड कैंसिल क्यों करते हैं। और उन्होंने ये भी लिखा है कि अब ओला ड्राइवर पर, मतलब ओला ड्राइवर के पास जो है बुकिंग आएगी, बुकिंग आने से आएगी, आने के बाद एक्सेप्ट करने से पहले ही ओला ड्राइवर को पता चल जाएगा कि सवारी कहाँ जाएगी। यानी बुकिंग पहुँचेगी जैसे ही ड्राइवर के पास, जैसे ही ड्यूटी आएगी, ड्यूटी आते ही एक्सेप्ट करने से पहले ही पता चल जाएगा कि सवारी को कहाँ जाना है, कहाँ ड्रॉप लोकेशन है, कहाँ डेस्टिनेशन है। और साथ ही साथ आपका एक और जो सवाल था सबसे महत्वपूर्ण, कि पेमेंट ओला मनी है या पेमेंट कैश है। तो ये जो मोड है पेमेंट वाला मोड भी ओपन हो गया, पेमेंट वाला मोड भी सही दिखा दिया, उसमें शो कर दिया है, आप पेमेंट भी चेक कर सकते हैं बगैर सवारी से पूछे। यानी बुकिंग एक्सेप्ट करने से पहले ही आप ये देख सकते हैं कि ड्यूटी ओला मनी है या ड्यूटी कैश में है। यानी बहुत सारे जो ड्राइवर भाई हैं फ़ोन करते हैं पैसेंजर के पास, हेलो हेलो हाँ जी, पैसे ओला मनी तो नहीं है, कैश होगी जब भी आऊँगा। तो ये भी झंझट खत्म हो गया है, यानी कि अब आपको सवारी के पास फोन करने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। न तो ये पूछना है कि आपको जाना कहाँ है, क्योंकि आपको ड्रॉप लोकेशन लोकेशन में शो हो रहा है, आप देख पा रहे होगे लोकेशन में, ड्रॉप लोकेशन भी शो हो रहा है, यानी डेस्टिनेशन भी शो हो रहा है। और साथ ही साथ आप पेमेंट मोड भी देख पा रहे होगे कि पेमेंट मोड भी शो हो रहा है कि ओला मनी है या कैश है, यानी ऑनलाइन पेमेंट है या कैश पेमेंट है, इस तरीके का फीचर भी आपको शो हो रहा है। तो मैं आपको बता देता हूँ, इसमें बस सिर्फ आपको एक चीज़ देखने को नहीं मिल रही होगी, जो कि आप लोग मुझे पता है कमेंट में कमेंट करके लिखने वाले होंगे कि डेस्टिनेशन से हो गई, पेमेंट मोड से हो गया, लेकिन इसमें वो फीचर तो है ही नहीं जिसे आप मतलब जानना चाहते हो, क्या कि कितने रुपए की राइड है। अक्सर कर हमने अभी तक देखा है बहुत सारी हमारे पास रिकॉर्डिंग जो होती हैं वो आ चुकी हैं, और उनके माध्यम से हम देख पा रहे हैं कि ज़्यादातर ड्राइवर पैसेंजर को पूछ रहे हैं कहाँ जाना है, वहाँ जाने का कितना रुपया दिखा रहा है, मैं तो इतने रुपए में नहीं जाऊँगा, मेरे को तो इतने रुपये चाहिए। तो इसमें वो वाला फीचर हमें शो नहीं हुआ, कहीं भी नहीं दिखा कि भाई मान लो दिल्ली से गुड़गांव या गुड़गांव से दिल्ली या दिल्ली से यूपी नोएडा जाने के कितने रुपए लगेंगे। इसमें शो तो हो गया, इसमें शो जो हुआ है वो ये हुआ है कि पेमेंट कैश मोड है या पेमेंट ओला मनी है, तो ये आप इसमें देख सकते हैं। हालांकि इसमें हमें कहीं फीचर ऐसा नहीं दिखाई दिया है, लेकिन आशा करते हैं कि वो भी फीचर जल्द से जल्द ओला की तरफ से आपको देखने को मिलेगा। जैसी अपडेट है उसके हिसाब से हम बता रहे हैं, ठीक है। तो आपके चिंता ना करें, जो भी है ये अपडेट अभी आए हैं,
अभी आपके पास जो ये छोटा सा अपडेट है, छोटा सा नहीं बड़ा मानेंगे इसको, क्योंकि काफ़ी समय से हम जो ड्राइवर भाई थे हमारे, वो फ़ोन कर करके पैसेंजर को पूछ रहे थे कि भाई ओला मनी है या कैश है, कहाँ जाना है, कहाँ है ड्रॉप लोकेशन आपकी, बताएंगे जब ही आएंगे, नहीं बताएंगे तो नहीं आएंगे। तो इससे आपको छुटकारा मिल गया है। ऐसे ही हमारी वीडियो और देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने सभी मित्रों के साथ, जो कि सभी भाइयों को पता चल जाए कि वो किस तरीके से चेक कर पाएंगे। और अगर आपका कोई और सवाल है तो हमारे वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट के साथ। जय हिंद, जय भारत।